एक तरफ पूरे देश भर में मोदी जी और राहुल गांधी का चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नई महिला एमएलए और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया गया। आप देख सकते हो दोस्तों, यही है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो कि इस बार मंडी से नई एमएलए बनी है। और कहा जा रहा है दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ की जवान ने इसे जोरदार थप्पड़ जड़ दी, जिसके बाद पूरे देश भर में खलबली मच गया। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, आखिरकार बीजेपी की इस एमएलए को क्यों थप्पड़ मारा गया और थप्पड़ के पीछे का वजह क्या है। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरह से पंजाब के अंदर एनआईए के द्वारा रेड मारा गया और रेड लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलग-अलग ठिकानों पर मारा गया। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक बंदे को किस तरह से गिरफ्तार करा गया। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा दो ऐसा फेमस चेहरा के बारे में जो कि इस बार लग रहा था इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन दोस्तों ये लोग इलेक्शन नहीं जीत पाया। आप देख सकते हो, यह पहला चेहरा जिसका नाम है रविंदर सिंह भाटी और यह दूसरा चेहरा जो कि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक-एक करके तमाम बातों का जानकारी दूंगा, वीडियो को पूरा देखना। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करा जाएगा पलटू चाचा के बारे में भी। तो एक-एक करके तमाम राजों का पर्दाफाश होगा, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पूरे देश में अभी चुनावी माहौल है, चारों तरफ आप जहां भी चले जाओ, चाहे किसी भी गलियारे में चले जाओ, हर जगह चर्चा राजनीति का ही चल रहा है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो कि मोदी को पनौती बोलते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी को इस देश का भविष्य मानते हैं, भाग्य मानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कंगना रनौत के बारे में। आप साफ साफ इस चेहरे को देख सकते हो दोस्तों, यह कंगना रनौत। और आपको बता दूं, हाल ही में जिस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इसे थप्पड़ मारा गया दोस्तों, ये घटना है 6 जून 2024 की, जब बताया जाता है कंगना रनौत चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी और उसी दौरान बताया जाता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद एक महिला सीआईएसएफ की जवान जो कि इसे जोरदार थप्पड़ मार दी। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि किस महिला जवान ने इसे थप्पड़ मारी है। आप साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, इस महिला जवान को, इसका नाम है कुलविंदर कौर। बताया जाता है कुलविंदर कौर नाम की इस महिला सीआईएसएफ की जवान ने कंगना रनौत को जोरदार थप्पड़ मार दी और थप्पड़ मारने के बाद दोस्तों ये सीआईएसएफ की जवान को जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। तो सबसे अहम सवाल यह आता है दोस्तों कि कोई पुलिस वाली आखिरकार किसी एक्ट्रेस को थप्पड़ क्यों मारेगी, किसी महिला एमएलए को थप्पड़ क्यों मारेगी, और वो भी वो महिला एमएलए जो कि अभी हाल ही में जीत करके आई है। तो कंगना रनौत ने सीआईएसएफ की जवान की क्या बिगाड़ रखी थी, आखिरकार कंगना रनौत ने कौन सा भूल करी थी, चलो आप लोग इसे भी जान लो। इससे पहले आप लोग जान लो दोस्तों, कंगना रनौत जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से इस बार चुनाव लड़ी थी और आखिरकार दोस्तों इसे जीत मिल ही गई, तो बीजेपी की एमएलए उम्मीदवार थी जो कि इस बार जीत करके चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी और दोस्तों चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के दौरान इसे कड़ाके की थप्पड़ मार दी गई। दरअसल बताया जाता है दोस्तों, इस महिला सीआईएसएफ की जवान ने इसे थप्पड़ इसलिए मारी क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, जब कंगना रनौत ने एक बयान दी थी, जब किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब किसान अनशन पर बैठे थे, तो कंगना रनौत ने बोली थी कि ये तमाम जितने भी लोग अनशन पर बैठे हैं, इन लोगों को कांग्रेस ने 100 रुपये दी है, यानी कि 100 रुपया लेकर के ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों बताया जाता है, ये जो महिला सीआईएसएफ की जवान है, इनकी माता जी भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थी और उसी बात का तकलीफ इसे पहले से ही था, यानी कि कंगना रनौत ने जो कही थी कि किसान जो यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, अनशन कर रहा है, इन लोगों को 100 रुपया दिया गया था और 100 रुपया लेकर के ये लोग अनशन पर बैठा है। यही बात दोस्तों पिछले कई दिनों से इनके अंदर जो कि बहुत ही ज्यादा इसे दर्द दे रही थी। और जब इस महिला सीआईएसएफ की जवान को खबर मिली कि कंगना रनौत चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली है, जैसे ही दोस्तों ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची, तभी से जो ये महिला सीआईएसएफ की जवान है कुलविंदर कौर, ये इंतजार में थी कि कब मेरे आगे से गुजरेगी। और जैसे ही कंगना रनौत आगे से गुजरी, इन्होंने धड़ाके से थप्पड़ मार दी। और बताया जाता है दोस्तों, थप्पड़ मारते वक्त वहां पर आसपास में बहुत सारे लोग थे। आप साफ साफ यहां पर देख सकते हो दोस्तों, जब कंगना को थप्पड़ मारा गया, यहां पर मानो कि पूरा का पूरा एकदम भीड़ जमा हो गया। हालांकि बाद में बताया जाता है, इस महिला सीआईएसएफ की जवान को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने इसे कस्टडी में ले लिया है, फिलहाल इससे पूछताछ करा जा रहा है। हालांकि दोस्तों पूछताछ के दौरान कुलविंदर कौर ने बताई है कि मैंने कंगना को थप्पड़ इसलिए मारी क्योंकि इसने किसानों के खिलाफ गलत बयान दी थी। अब दोस्तों चारों तरफ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि अच्छा हुआ कि कंगना को थप्पड़ मार दिया गया। वैसे दोस्तों मैं भी यह कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर किसानों के खिलाफ कोई बोलता है तो कितना दुख का बात है। हालांकि इन लोगों को क्या ही है, इन लोगों को किसानों से क्या ही मतलब है, इन लोगों को तो आसानी से रुपया मिल जाता है, एड्स करती है, प्रचार करती है, खूब कमाती है। और वैसे भी अब बीजेपी की मेंबर बन चुकी है, तो अब तो इसके
उसके पास अकूत संपत्ति हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों किसानों के खिलाफ जो ये बोली, इस बात से पूरे देश के जितने भी जनता है हर कोई खफा है। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि एक थप्पड़ ही क्यों इसने मारी, मारना चाहिए था कम से कम 10-20 थप्पड़। 10-20 थप्पड़ मारने के बाद इसका आकल ठिकाने आता। हालांकि दोस्तों कंगना रनौत के बारे में कहा जा रहा है फिलहाल ये सुरक्षित है, लेकिन पूरे देश भर के लोगों ने अलग अलग तरह का इस मामले में प्रतिक्रिया दिया है। तो आप लोग बताना दोस्तों कंगना रनौत को जो थप्पड़ मारा गया अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से चारों तरफ मोदी जी और राहुल गांधी का चर्चा चल रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का विकास होगा, और कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी अगर बनेंगे तो राहुल गांधी ही विकास कर पाएंगे, क्योंकि अगर देश का विकास करना होता तो मोदी जी पिछले 10 साल के अंदर बहुत कुछ कर दिए होते। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा, कुछ ना कुछ तो जरूर करे, लेकिन हाँ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि दोस्तों देश के अंदर बहुत सारा चीज ऐसा भी हुआ जो कि कहीं ना कहीं विरोध के लायक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मोदी को पनौती मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी को देश का भविष्य मानते हैं, भाग्य मानते हैं। अब आप क्या मानते हो वो तो पता नहीं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों फिलहाल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि राहुल गांधी जो कि मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं और अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का ज्यादा विकास होगा। और दोस्तों पिछले कुछ टाइम से ये भी देखा गया है कि राहुल गांधी अलग अलग लोगों के पास गए भी, बहुत सारे किसानों से मिले, बहुत सारे टीचर्स से मिले, बहुत सारे गरीबों से मिले और भी बहुत सारे लोगों से इन्होंने मिलजुल कर उनसे बातें किया, उनका तकलीफ सुना। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए मोदी जी को तो मोदी जी इन दिनों देखा गया है कि केवल और केवल अमीरों के पास ही गए हैं। जैसे कि अडानी के यहाँ अगर कोई फंक्शन हो जाए तो मोदी जी पहुंच जाएंगे, अंबानी के यहाँ अगर कोई फंक्शन हो जाए तो मोदी जी वहां पहुंच जाएंगे, वहीं अगर किसी गरीब के यहाँ कोई फंक्शन हो जाए तो मोदी जी को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी जी केवल अमीरों के हैं, गरीबों के तो है नहीं, क्योंकि अगर गरीबों के होते तो गरीबों के बीच तो जाते, लेकिन ये तो आज तक कभी जाते हैं नहीं। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो कि पवन सिंह और रविंदर सिंह भाटी के चाहने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि लॉरेंस गैंग को लेकर कौन सी खबर है, उसका भी चर्चा आगे करेंगे। तो पहले चर्चा कर लेते हैं इन दोनों फेमस चेहरा के बारे में। मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप लोगों को भी पता होगा पावर स्टार पवन सिंह के बारे में, जो कि भोजपुरी के सुपर डुपर हिट एक्टर हैं। और आपको बता दूं इस बार पवन सिंह जो कि काराकाट से एमएलए का उम्मीदवार थे, इस बार इन्होंने भी पॉलिटिक्स में कदम रखकर खुद को कामयाब करने का कोशिश करा था। और इस बार यह भी देखा गया था दोस्तों कि काराकाट की बहुत सारी जनता थी जो कि इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रही थी। इनके रैलीज में दोस्तों इतना ज्यादा भीड़ होता था कि लोगों को लगता था कि पवन सिंह तो एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, और पवन सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे, लेकिन फिर भी दोस्तों इनके रैली में जिस तरह का भीड़ देखा जाता था उस तरह का इन्हें वोट नहीं मिला और पवन सिंह जो कि काराकाट से इस बार हार गए। वहीं अगर चर्चा करा जाए रविंदर सिंह भाटी का, तो रविंदर सिंह भाटी जो कि बाड़मेर से एमएलए उम्मीदवार थे, और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों रविंदर सिंह भाटी की रैली में इतना ज्यादा लोग होते थे कि इनके रैली को देखकर अच्छे अच्छे लोगों का दिमाग हिल जाता था। लोगों को यह लग रहा था कि ये तो निर्दलीय उम्मीदवार है और वैसे भी इतना ज्यादा इनको सपोर्ट मिल रहा है तो क्या पता कहीं ये एक तरफा चुनाव ना जीत जाए। लेकिन दोस्तों बाड़मेर से कहा जा सकता है कि रविंदर सिंह भाटी को भी कहीं ना कहीं हार ही हासिल हुआ और ये भी हार गए। तो दोस्तों दो ये ऐसा फेमस चेहरा है जिनके हारने के बाद चारों तरफ चर्चा चला। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों इनके हार के पीछे का असली वजह क्या हो सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों नीतीश कुमार के बारे में। अभी भी दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में संदेह इस बात का है कि कहीं नीतीश कुमार पलटी ना मार दे। फिलहाल अभी तक नीतीश कुमार जो कि बीजेपी का साथ दे रहे हैं, लेकिन आगे लोगों को डर इस बात का है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार दिए तब क्या होगा, तब मोदी जी का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब तक नीतीश कुमार का कोई ऐसा फैसला निकल कर सामने आया है नहीं कि ये पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, क्योंकि अभी उसके लिए और भी ज्यादा टाइम है। तो देखते हैं कब तक क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल चांस तो ज्यादा है कि मोदी जी ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों एक बार फिर से कहा जा रहा है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने पंजाब के अंदर दबिश दी है, और इस बार दबिश दिया गया है उन बदमाशों के ऊपर जो कि अंदरूनी स्तर से लॉरेंस बिश्नोई का मदद कर रहा था। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि किन किन बदमाशों को गिरफ्तार करा गया, जरा आप लोग भी जान लो। इस बार बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अंदरूनी स्तर से मदद करने वाला मोहित नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करा गया। दरअसल बताया जाता है पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एनआईए की टीम ने दबिश दी, रेड मारी, और रेड मारने के बाद बताया जाता है सबसे पहले मोहित नाम के एक शख्स से बातचीत करा गया, उससे पूछताछ करा गया। दोस्तों मोहित से जब पूछताछ करा गया, जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला गया, जब उसके सिम कार्ड को चेक करा गया, तो पता चला कि वो कहीं ना कहीं फंडिंग वाले काम में शामिल है, यानी कि दोस्तों वो फंडिंग करने का काम करता था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग
उनका मदद करता था। तो बताया जाता है NIA की टीम ने मोहित को गिरफ्तार कर ली है। वहीं अब चर्चा करते हैं दूसरे किस शख्स से बातचीत करा गया। दोस्तों दूसरा जो एक शख्स है जिसका नाम है सुरजीत गिरी महंत। बताया जाता है NIA की टीम ने सुरजीत गिरी महंत से भी पूछताछ करी है और पूछताछ के बाद दोस्तों सुरजीत गिरी महंत के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला गया। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, उसके अकाउंट्स को जब खंगाला गया तो पता चला कि उसका भी कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ है। और बताया जाता है दोस्तों उसके सिम कार्ड को भी खंगाला गया। और जब सिम कार्ड को खंगाला गया तो NIA की टीम का तो दिमाग ही हिल गया। बताया जाता है उसका भी कनेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर है। फिलहाल दोस्तों सुरजीत गिरी को तो गिरफ्तार नहीं करा गया है। उसके अलावा तीसरे एक और शख्स से पूछताछ करा गया है जिसका नाम है गुरदीप सिंह पिंटू। बताया जाता है गुरदीप सिंह से भी NIA की टीम ने पूछताछ करी है। तो फिलहाल दोस्तों पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के अलावा और भी अलग अलग जगहों पर NIA की टीम रेड मार रही है। लॉरेंस बिश्नोई के अड्डा को बिल्कुल नष्ट नाबूद करने के प्रयास में है। तो देखते हैं पंजाब के अंदर क्या होता है नहीं होता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने पहला खबर दिया कंगना रनौत के बारे में, किस तरह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इसे एक महिला CISF की जवान ने जोरदार थप्पड़ मारी, जिस महिला CISF का जवान है कुलविंदर कौर। जैसा कि आप साफ साफ इस तस्वीर में देख सकते हो, यही है कुलविंदर कौर। और उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया रविंदर सिंह भाटी, पवन सिंह, मोदी जी और राहुल गांधी के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट में लिख के बताना। बाकी पर्सनली ना तो मैं किसी नेता का समर्थन करता हूँ, ना तो किसी अपराधी का समर्थन करता हूँ। हाँ, बस मैं सच का समर्थन करता हूँ, जो सही है उसके साथ हूँ, जो गलत है, जो फ्रॉड है उसके खिलाफ हूँ। जय हिंद। राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। मस्त रहना, स्वस्थ रहना और बस इसी तरह से सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।